जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अंकल आपका नाम क्या है? आमिर जावेद। अच्छा आमिर साहब आप यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं? रावलपिंडी से। अच्छा आपकी एज कितनी है? 50 प्लस। अच्छा अच्छा आपका लास्ट कंप्लीटेड क्वालिफिकेशन इस हवाले से मेडिसिन के हवाले से? फार्मेसी असिस्टेंट। अच्छा आप वैसे कहाँ पे होते हैं, मतलब मसरूफियत क्या है आपकी? यही है। अच्छा ठीक है, हम लोग एक दरअसल रिसर्च कर रहे हैं, अपनी असाइनमेंट है मेरी। मेरा नाम अजीम इकराम जई है और मुल्तान से मेरा ताल्लुक है। रावलपिंडी पर्ल कॉन्टिनेंटल में हमारा इस वक्त सेशन चल रहा है, जिसके लिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। मेरा आपसे दरअसल जो बुनियादी सवाल है वो है कि जो हाई पोटेंशियल मेडिसिन हैं, जो जिनको हम लाइफ सेविंग ड्रग्स भी मेरे ख्याल में कहते हैं, वो मेडिसिन जो हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में सेल की जाती हैं, और काफ़ी सारे जितने केमिस्ट हैं उनके पास इवन लाइसेंसेस भी नहीं होते, तो इस बारे में आप क्या रिमार्क्स देंगे? जहाँ तक हमारा ताल्लुक है ना, हमारा तो कंसर्न सामने हॉस्पिटल से, हमारे पास तकरीबन आप 99% प्रिस्क्रिप्शन पे लोग मेडिसिन लेके जाते हैं, वो आपके सामने देख लीजिए। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हमें और ना हम कोई अपनी प्रैक्टिस करते हैं किसी की, कोई आया तो उसको अपनी तरह से कोई मेडिसिन दे रही है, हम रेफर कर देते हैं हॉस्पिटल की साइड। सही, बाकी जो छोटे मेडिकल स्टोर्स जैसे रिमोट एरियाज में होते हैं उनके हवाले से भी आप जिनके पास इवन वो ड्रगिस्ट के लाइसेंस भी नहीं होते, तो उनके हवाले से आप कुछ रिमार्क्स देंगे? तो उनके खिलाफ कुछ होना चाहिए, यकीनन चेक होना चाहिए कि अनक्वालिफाइड सिर्फ अपने तजर्बे के बना के जो लोग काम कर रहे हैं हमारे रिमोट एरियाज में, खासतौर पर उनके खिलाफ कुछ होना चाहिए। रावलपिंडी में जितने मेडिकल स्टोर्स हैं क्या उनकी कोई एसोसिएशन है? हमारी एसोसिएशन है अंजुमन ताजरान अदवियात के नाम से, एक केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन है। सही। लेकिन हमारे कोई रिटेलर्स की कोई अलहदा ऐसी कोई नहीं, हमने कई दफ़ा कोशिश की है बनाने की, लेकिन वो होलसेलर्स की और डिस्ट्रीब्यूटर जिसमें आ जाते हैं, तो उसमें बीच में चैलेंजेस आपको प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती हैं दरअसल बुनियादी तौर पर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो ड्रग एक्ट है पंजाब में खासतौर पर, उस पर तमाम जिम्मेदारी जो है ना डाल दी गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसमें तमाम जिम्मेदारी जो है वो एक रिटेलर पर डाल दी गई है कि रिटेलर के पास हो, बैच नंबर भी हो, बिल भी हो, वारंटी भी हो, और एक खास टेम्परेचर भी मेंटेन हो। आम प्रैक्टिस में आप चाहें तो ऐसा कम जगह पे आपको मिलेगा, खासतौर पर होलसेल मार्केट जो है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप है, जो उनकी सप्लाई लेके आते हैं, सख्त गर्मी हो तो उसमें चलो उनका गाड़ियों का एसी वगैरह चल रहा होता है, बाकी और जब आते हैं तो अगर आप दवाइयों को हाथ भी लगाएं तो वो ऐसी हो रही होती है, या फिर बच्चे उसे हाथ लेके आए हैं, बिल्कुल ऐसी है। बाकी भी कुछ होना चाहिए ना। इसके अलावा आप जो फेक मेडिसिन जिनको हमारी टर्म में, मेडिकल टर्म में, तो वो उनको इलीगल मेडिसिन कहते हैं, यानी कि जो दरअसल कवर होता है मेडिसिन का उसके अंदर वो सॉल्ट आई गेस नहीं होता, तो क्या उसके लिए भी कोई क्वालिटी स्पेसिफिक चेक होता है मेडिसिन में? जी अब तक तो जो अच्छे मेडिकल स्टोर हैं तो जब तक के हमें वो बिल प्रोवाइड ना करें, उसकी वारंटी ना हो उसके ऊपर, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर ना हो, बैच नंबर ना हो, एक्सपायरी मेंशन ना हो, वो हम परचेज करते हैं, और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर उसका होना चाहिए, उसका प्रॉपर बिल होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, उसका पता लिखा होना चाहिए उसका, ये सब चीज़ें देख के। सर जो एक्सपायर्ड मेडिसिन जो होती हैं उनको, एक्सपायर का ऐसा है कि कंपनी को, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी है, कुछ 3 महीने पहले देते हैं, 6 महीने पहले इंटीमेशन देते हैं। सही। पूछा है कि वो उसी महीने में जिसमें एक्सपायरी डेट हो जो हमें चेंज करके दे देते हैं, तो उसके लिए ये है कि स्पेसिफाइड पीरियड है उसमें आप उसको उनको वापस कर देंगे तो उसकी पैसा मिल जाएगी, नहीं तो फेंक देते हैं उसको।
अच्छा, इसके हवाले से आपका, मैं इस मेडिकल स्टोर के, आपका जो मेडिकल स्टोर का नाम प्लीज आप दोबारा बताइए। क्रिसेंट केमिस्ट का कोई इंटरनली चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है फॉर द एक्सपायर्ड मेडिसिन, जो उसको प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हम हर हफ्ते सब चेक होती हैं मेडिसिन, जो करीब होती हैं हम उनका इंटीमेशन कंपनी को दे देते हैं। अब ये लगी हुई है सारी, उनको हमने उनको इंटीमेट कर दिया है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा दूसरा जो मेडिसिन के अंदर इलीगल और वो फ्रॉड का एलिमेंट आया था कि ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं इंटरनेशनली, पाकिस्तान से अगर हम हट के ग्लोबली बात करें, जो वेबसाइट्स ऑनलाइन मेडिसिन सेल करती हैं और बकायदा एक वो काउंटरफिटिंग करते हैं कि लाइक जो मेडिसिन ओरिजिनली क्लाइंट ऑर्डर करता है वो ओरिजिनली डिलीवर नहीं करते, तो क्या मतलब पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा सिनेरियो ऐसा जो है वो आप एलोपैथिक को उसमें से निकाल दें? सही, ठीक है, उसमें वो सहारा लेते हैं हर्बल मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि एलोपैथी का तो एक कानून बन चुका है खासतौर पर पंजाब की हद तक, ड्रग एक्ट 1976 वो अप्लाई भी है। सही, तो एलोपैथिक मेडिसिन का ना तो आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, डिटेलिंग आप डॉक्टर को कर सकते हैं, एडवर्टाइज नहीं, वैसे एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। सही, ये एलोपैथिक मेडिसिन का ये एक आप समझते हैं कि काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है क्या एलोपैथी की मेडिसिन की? इसमें ड्रॉबैक नहीं है। सही, ड्रॉबैक ये है कि हमारी मिनिस्ट्री ने खुद एक खाना छोड़ दिया है जिसकी वजह से फूड आइटम आपने लिख दिया कि फूड प्रोडक्ट नॉट फॉल अंडर ड्रग एंड रजिस्ट्रेशन, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, नो बिल रिक्वायर्ड, नो वारंटी रिक्वायर्ड, नथिंग फूड आइटम, नो नथिंग के लिए, मतलब कोई उसकी कोई देता ही नहीं है, और उसमें उन्होंने फूड प्रोडक्ट है, मेडिसिन नहीं है, उसमें कैल्शियम वाइटामिन डी है बेशुमार किस्म के, वो आइटमल्स आ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, उसके ऊपर भी आप मेडिसिन को डील कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोई कानून बनाया ना जी। रिटेलर के ऊपर तो आप वो अप्लाई कर देते हैं, जो एक बंदा बना रहा है क्यों बना रहा है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैन्युफैक्चरर, उन मैन्युफैक्चरर का कोई पता नहीं कहाँ है, नहीं तो सर उनकी आपने कहीं से इम्पोर्ट कर लिया माल किसी दूसरे मुल्क से मंगा लिया, मैन्युफैक्चर इन चाइना मेंशन हुआ हुआ, जो जो रिटन प्रिंटेड होता है, ठीक है ना, अब पता नहीं फेडेड है क्या है जी वो, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है कि नेचुरल प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट डजंट फॉल अंडर ड्रग एक्ट 1976, उसकी इसलिए इसकी डिसीजन रिक्वायर्ड नहीं है, इसकी जनाब वारंटी रिक्वायर्ड नहीं है। सर, आई होप यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, यू कैन आंसर इन इंग्लिश आई गेस, ओके, थोड़ी बहुत नो प्रॉब्लम, मतलब आप जैसे भी कर दें इट वुड बी रियली थैंकफुल फ्रॉम माय साइड। आई वुड लाइक टू आस्क दैट द मेडिसिन इन पाकिस्तान, as you just told me that there is some association or the Anjuman-e-Tajran thing, is there anything on Pakistan national level like a medical association? Could you please like elaborate or explain the medical association thing? We have all over Pakistan chemist and drug association Pakistan, its name is Pakistan Chemist and Drug Association, right, national level. It is like, is it active or passive? Okay. Sometime when emergency came, all people came together. Otherwise, just like the 2005 earthquake, yeah, or some natural disasters, so they come together. Then they want us for emergency, mean when some people get involved in fake medicine. Just like the ephedrine syrup case which was experienced in Punjab, and afterwards there was a syrup which was like injurious, or it was like poisonous? Tynosin. Tynosin. Actually it was tynosin.
So are there any current issues which you would like to highlight related to medicine or something? Just like you told me that there is no implementation, or you can say the revised drug act of 1987 or something. 1976. It is still not revised or reconsidered. It's only applicable in Punjab, not all over in Pakistan. The drug act is only in Punjab, not in any part not of in the any other part of the country. Not in Sindh, not in Balochistan, not in Khyber Pakhtunkhwa. Drug act is not existing there. It's only existing Punjab. So don't you think that the drug act in Punjab, it's just like a formality which is not even revised? It's not formality. It is being implemented as well. Right. Implementation is. Do you think the drug inspectors who are like in my or general perspective responsible for the illegal sale of small medicines or the larger medicines, do you think that they are the responsible ones? They are only responsible to check. Check and report, you can say. They have all rights. They have right for action. They have all rights to protect all pharmaceutical and implement the drug law. Its implementation exists in Punjab. Okay. On Punjab and it's quite strict even. And I think it's a good thing. It's a good thing. But in other part of the country, the people came here from Karachi. They force us to provide them tranquilizer. Is it a drug, or could you please explain what tranquilizer means? Antidepressant drugs. Okay. The drugs which provide you dizziness. Okay. Or you feel relaxed. The life-saving drugs. These are not life-saving drugs. These are psychiatry medicines. Okay. Originally, they are psychiatry medicines. They have to be given on the specific prescription. Right. We have all registered. I have seen your operations. You are not providing any medicine without prescription. That is a really good thing, and I would like to appreciate you and salute you for these services that you do not provide any medicine without transcription. In the end, sir, I would like to a question. It's my last question. That do you think that providing medicines without transcription, of the doctors is equivalent of doing crime? I think it's nearly to suicide. It's nearly to provide a person he took suicide. Because I'm not a proper MBBS. So I don't know about, I know about medicine. But no, I'm not about local body, different parts of the body. They are hazard to the people. So you think that it should be strictly and strictly monitored, that prescription point and the drugs? Specific medicines. Pain reliever, I think. It's a different thing. Cough syrups. And anti-allergy medicines. These are general medicines. But antibiotics and antidepressants, anti-hypertensive drugs, heart-related medicines, and psychiatry medicine should be under the proper prescription. Sir, thank you so much for your time. I'm really thankful that you shared your knowledge. And it was a new thing for me that there is no drug act for any other province of the country. So thank you so much. From it, from anywhere. Drug act is lying only in, I think, federal area, Islamabad, and in Punjab. In Islamabad. It is due to interest taken by Shahbaz Sharif personally.
in this regard. Sir, thank you so much. I really appreciate your words, and inshallah, I hope that we will be getting rid of these issues, and all these things would be right, inshallah. Thank you, sir.